जी। अगला सवाल है, ऐसा काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो और ना ही किसी सहाबी से कोई कॉल मिलता हो, अलबत्ता ताबईन से साबित हो, तो क्या वो काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर सहाबा में उस काम की मुखालफत या नबी अलैहिस्सलाम की मरफू अहादीस में उसकी मुखालफत ना पाई जाती हो। अगर मुखालफत पाई जाती होगी फिर नहीं कर सकते। मेरा तो एक इसी मजलिस में ही एक दफ़ा डिस्कशन के दौरान एक क्लिप चढ़ा हुआ है, क्या अकवाले सहाबा भी हुज्जत है? तो उसमें मैंने ताबईन तबा ताबईन तक बात की थी कि दीन का जो माखिज़ है वो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की मरफू अहादीस नहीं है, बल्कि सहाबा इकराम के अकवाल भी हैं, ताबईन भी हैं, तबा ताबईन के अकवाल भी हैं, बशर्ते के सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से, यानी नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से मरफू और सहाबा की अहादीस से मौकूफ़ जो उनके अपने अकवाल हैं उनसे टकराती ना हो, तो वो भी दीन है। जैसे कोई मरफू हदीस नहीं है इस हवाले से सवाए दो मौकूफ रवायतों के, जो सैयदना अली के अपना कौल है फजाइल सहाबा अहमद बिन हम्बल की किताब में, कि मेरी वजह से दो फिरके दोजख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके एक मेरी दुश्मनी में, और मेरी वजह से दो फिरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके एक मेरी दुश्मनी में। इस हवाले से जितनी मरफू हदीस है ना, मुसनद अहमद में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में ईसा इब्ने मरियम की सी है, ईसाई उनकी शान में गुलूफ करके हलाक हुए, यहूदी उनका इनकार करके, रवायत कमजोर है। इस तरीके से तबरानी में रवायत है, अली तेरी वजह से दो फिरके दोजख में जाएंगे, एक तेरी मोहब्बत में गुलूफ करके एक तेरी दुश्मनी में, कमजोर है। लेकिन मौकूफन रवायत जो सईद अली का अपना कौल है ना, वो सही सनद से है। और ये मुहदसिन का रूल है कि अगर कोई गैबी खबर मौकूफन रवायत हो, यह इम्प्लाइड होता है कि नबी नहीं उनको बताई ये बात, क्योंकि गैर नबी तो उसके पास तो गैबी खबरें नहीं आती। इसी तरीके से ताबईन के अकवाल भी हुज्जत हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि मरफू अहदीस सारी ज़ईफ़ हैं, दो सजदों के दरमियान जो ये दुआ है अल्लाह मगफिरली वरहमनी वाहदीनी वरजुकनी, ये तो हदीस मिलती है मुस्लिम शरीफ में कि ये दुआ आपने तालीम फरमाई, लेकिन उसका महल नहीं पता। अबू दाऊद में एक ज़ईफ़ रवायत है कि दो सजदों के दरमियान है, लेकिन अल मुसन्नब इब्ने अबी शैबा में मिलता है कि मकहूल ताबी जो थे वो दो सजदों के दरमियान ये पढ़ा करते थे, तो उससे ये सारी चेन जुड़ गई कि ये दुआ की असल मौजूद है और दो सजदों के दरमियान है। तबा ताबईन तक भी, अब ये सुफियान बिन उयैना जो है तबा ताबी मूछे साफ किया करते थे, किसी सहाबी से मूछे साफ करना साबित नहीं, किसी ताबी से साबित नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं, पस्त करना साबित है। उस तबा ताबी की वजह से हम इसके जवाज के कायल हैं। अलबत्ता मेरी उम्मत में इख्तलाफ भी पाया जाता है इस हवाले से, यानी इमाम मालिक ने, अलमोता इमाम मालिक ने तो मूछे साफ करने को मुसला लिखा है, और मैंने वो HD कैमरे में दिखाया भी था, आप मेरा YouTube पे क्लिप देखें क्या मूछे मूंड सकते हैं, तो उसमें मैंने वो सारे हवाले दिए थे। बल इख्तलाफ पाया जाता है, दोनों तरफ राय मौजूद है, इसमें कोई हर्ज वाला मामला नहीं। अलबत्ता अगर ताबईन कोई ऐसा अमल करें जिसमें सहाबा का इख्तलाफ हो, फिर वो ताबईन के कौल हुज्जत नहीं होंगे। जैसे जुज रफुल यदैन में आता है कि अब्दुल्ला बिन उमर उन लोगों को कंकरियां मारते थे जो नमाज में रफुल यदैन छोड़ देते थे। अब अब्दुल्ला बिन उमर एक मुत्तबे सुन्नत सहाबी हैं, वो कंकरियां मार रहे हैं इस बात के ऊपर कि कोई शख्स रफुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो इस चीज को गलत समझते हैं। अब सहाबी वर्सेस ताबी आ गया, वो छोड़ने वाला को ताबी होगा यकीनन, को बरेलवी देवबंदी या लदीशिया तो नहीं होगा, उस जमाने में ताबी होगा। तो अब इस तरह का जब इख्तलाफ आ जाता है ना, फिर हम सहाबा के अमल को तरजीह देते हैं। जहां पे सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान किसी मामले में इख्तलाफ आ जाए और वाकई वो जेन्युइन इख्तलाफ पाया जाता हो, फिर वहां नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को हम तरजीह देते हैं और सहाबी के कौल को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जहां कहीं इख्तलाफ पाया जाता हो इस हवाले से, जैसे हज तमत्तो के मसले में मुस्लिम शरीफ में पूरा बाब है कि हजरत उमर ने हज तमत्तो पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन बाद में सहाबा ने नहीं उसको कबूल किया। आज पूरी उम्मत ऑलमोस्ट 95% ज्यादा लोग हज तमत्तो करते हैं, अब खलीफा राशिद हैं, लेकिन उनके अमल जो है सुन्नत के खिलाफ है। जामिया तिर्मिजी में 824 नंबर हदीस है 824 के, एक अहले शाम में से एक शख्स ने आके अब्दुल्ला बिन उमर से कहा यह हज तमत्तो जायज है, उनका जायज तो सुन्नत है, एक सफर में हाज और उमरे को जमा करना, चाहे वो तमत्तो के जरिए हो चाहे किरान के जरिए, किरान में आप एक ही आराम में दोनों कर लेते हैं, तमत्तो में आप खोल, लेकिन है ये दोनों तमत्तो इस हवाले से है कि आप एक सफर में हाज और उमरे से बयक वक्त नफा उठाते हैं, इसीलिए इन दोनों हजों के अगेंस्ट आपने कुर्बानी भी करनी होती है। हज किरान, अच्छे हज इफराद जो होता है अकेला हज जिसमें आप उमरा नहीं करते, उसमें आपने कुर्बानी नहीं करनी होती। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा ये तो सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम ने किया, हमें हुक्म दिया। तो नेक्स्ट उसने पहले मनवा ली बात, फिर उसने कहा आपके वालिद
حضرت عمر وہ تو روکتے تھے. اب اس کا یعنی خیال یہ تھا کہ میں یہ اہل شام میں سے تھا, حضرت معاویہ کا دور تھا, شام سے کوئی آیا تھا چل کے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی چیز کا حکم نبی علیہ السلام دیں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی؟ یہ تربیت ہے جناب, یہ حضرت عمر کے بیٹے کے جھگڑا ہو سکتا ہے, ایک صحابی کی یہ تربیت ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی, تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا, ہمیں حکم دیا, یہ جرت تھی. تو اب خلیفہ راشد کا عمل بھی اگر نبی علیہ السلام کے حکم سے ٹکرا دے تو وہ نکل جائے گا. مسئلہ 197 میرا آپ سن لیں, چار اماموں کی گستاخی کے حوالے سے جو میرے اوپر الزام لگایا گیا تھا, تو میں نے اس کے جواب میں اس طرح کے کئی ایک واقعات احادیث کی کتابوں سے بتائے. آج مال نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں.